सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सागर कौन था? आरापुरा सागर। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में जहां पर तस्मानिया आपने बनाया, तस्मानिया कहां बनाया है ये? तो तस्मानिया के पास कौन सा? तस्मानिया के नाम से ही AMFTA पीछे वाले सुन के लिख रहे हैं आपको तस्मान से। ये भी आराम में बड़े सागरों में से एक है, ठीक है। यहां पर कौन सा बना हुआ था? ये बोला गया था पैसिफिक ओशन। और इस तरफ कौन सा था? इंडियन ओशन। आप लोग मैं देखा कि उधर से भाई इंडियन ओशन बना हुआ है दक्षिण में इसके जो बना हुआ था ओशन। इतने तो सागर महासागर है, यहाँ पे खाली आपको पिछले वाले मैप में कर चुके हैं सागर भी कर लिया आप लोगों ने, दूर भी कर लिया था। इसके बाद जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं जल संधि का तात्पर्य दो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है। अलीगढ़ जनपद यूपी के मोस्ट बैकवर्ड जनपदों में से एक तो नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ माना जा सकता है। अतरौली बोर्ड जैसी जगह यहीं पर बताई जाती है जिसमें हाई स्कूल इंटर की एग्जाम में लोग कहते हैं कि काफी बड़ी मात्रा में नकल होती है। तो उन सब चीजों को देखते हुए, शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन को देखते हुए, ये हमने और कुछ और अधिकारियों ने बैठ के डिसीजन लिया कि कुछ न कुछ यहाँ पर ऐसा किया जाए जिससे शैक्षणिक पिछड़ेपन को थोड़ा दूर किया जा सके। उसी की दिशा में एक कदम उठाया गया कि यहाँ तहसील में ही सिविल की तैयारी को लेके कुछ बच्चों को इकट्ठा किया गया, एक बैच शुरू किया गया। उसमें काफी बच्चों की सक्रियता दिखाई दी, काफी वो तैयारी के प्रति जागरूक दिखे दो तीन महीने के बाद। फिर एक और बड़ा डिसीजन लिया गया कि दो बैच और यहाँ चालू किए जाएं। तो आज अभी इस समय की तारीख में हमारे पास तीन बैच चल रहे हैं जिसमें से दो नए बैच हम लोगों ने चलाए हैं और एक बैच 20 नवंबर को जो चालू हुआ था उसका जीएस का सिलेबस और सीसेट का सिलेबस खत्म हो गया। वो सारे बच्चे हमारे तैयार हैं, उसमें लगभग 150 बच्चे के आसपास सिंसियर बच्चे थे। वो सभी 24 सितंबर को जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है वो देने के लिए तैयार है। कुछ फायदा मिल रहा है छात्रों को? जी बिल्कुल, वैसे ये बहुत बेहतर तरीके से तो छात्र ही बता पाएंगे इतना, लेकिन जो उनके अंदर में ललक उनके अंदर मैंने देखी है वो तो शायद उतनी ललक तो मेरे खुद के अंदर भी नहीं थी कि एक उनको मतलब एक अंतिम सांस की तरह उनको चीजें मिली हैं, जैसे वो उनके अंदर दिखती है ललक ऐसी। कितने छात्र हैं और उनको किताबें कहाँ से अवेलेबल कराते हैं? कोई लाइब्रेरी या कुछ मतलब अपनी तरफ से या मदद करते हैं? जी शुरुआत में जो हम लोगों ने 20 नवंबर को बैच चालू किया था उसमें शुरुआत में तो 300 के आसपास बच्चे हम लोगों ने लिए थे और दो बैच शुरू किए थे, लेकिन कुछ समय के बाद हम लोगों ने नॉन सिंसियर बच्चों को सिलेक्ट करके अलग कर दिया और 170 बच्चों का बैच एक फाइनली रह गया था जिसमें सारे सिंसियर स्टूडेंट्स थे। वो बैच अभी खत्म हुआ। उसके बाद फिर जो अभी जुलाई माह में शुरू किया हम लोगों ने बैच, इसमें करीब 800 बच्चों का हमने टेस्ट लिया था जिसमें से 500 बच्चों को सेलेक्ट करके 250 बच्चों का दो बैच बनाया और कुछ और बच्चे उसमें बाद में हमने और इंट्रोड्यूस कराए। तो आज की तारीख में 300-300 बच्चों के नए बैच हैं। जो नए बैच हैं इन दोनों बैच की
की पंक्ति पंक्ति दिख रही है जो दोनों तरफ के महासागर को जोड़ रही है, दोनों तरफ इसके 35 कोसे भी है, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। इसको तस्मान सागर दरवाला पार जो है ये तस्मान सागर है, इसके उत्तर में और दक्षिण में क्या है ये दक्षिणी सागरी वहां तक विस्तृत होगा। ये दोनों द्वीपों को अलग करने वाली दर्शन यहाँ पर कुंभ जल संघ बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। तीसरे स्टेज है वेश नाम की वहां पर लगा है, ये जो दक्षिणी ओर आते हैं इनको साउथ वेल्स के नाम से रख दिया गया, ठीक है न्यू साउथ वेल्स। तो कुल कितने प्रांत हो गए यहाँ पर, 9 टेरिटरी साधारण आचार्य पंकज सर पढ़ाते हैं और राजकुमार गुप्ता सर के नाम से हैं, एक और है राघवेंद्र सर, एक राजवीर सर, ये सब पढ़ाते हैं हमारे लिए। पंकज सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ये मतलब हेड की तरह ही काम करते हैं हमेशा, हम सबके लिए गाइड करते हैं, सबके लिए अच्छे से मतलब अनुशासन का भी पालन करने के लिए बोलते हैं और हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं यहीं पर रहते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं। निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? यस, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और रिटर्न मटेरियल वगैरह भी ये भी प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, सिविल सेवा की मतलब तैयारी करना बड़ा कठिन काम होता है और इसके लिए कोचिंग बड़ी महंगी महंगी है, तो ऐसे में किस तरह का लाभ आप यहाँ लेती हैं, क्योंकि बाहर आप दिल्ली या इलाहाबाद जाओगी तो बहुत ज़्यादा फीस होती है। सर बहुत ज़्यादा फीस होती है, लेकिन यहाँ पे निःशुल्क तौर पर पढ़ा रहे हैं, तो मतलब जैसे हम लोग गाँव के हैं तो हमें यहाँ से काफ़ी सुविधाएँ मिल रही हैं। अब अगर हम गांव के बाई चांस हमारे माँ बाप इतना पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं तो हम लोग नहीं पढ़ पाते, हमारे सर बहुत हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग खुशी होती है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने सर का भी नाम रोशन करें और माँ बाप का भी नाम रोशन करें। गरीब घर के बच्चे यहाँ आके तैयारी करते हैं? यस सर। किस तरह से मतलब जो है आगे सपना आपका क्या है, क्या बनना चाहते हैं? सर मैं BCS की तैयारी कर रही हूँ, मैं STM बनना चाहती हूँ। कितने दिन हो गया अभी यहाँ पढ़ते हुए? मुझे 3 महीने के लगभग हो गए हैं। अभी कोई अटेम्प्ट किया आपने? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। कोचिंग लेते हैं और कौन पढ़ाता है? जी सर, HDM सर हैं जो काफ़ी प्रतिभाशाली HDM हैं और वो उनको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, और जो विभाव मैडम हैं जो इस प्रेजेंट में यहाँ पर नायब तहसीलदार हैं वो हमें पॉलिटिकल की क्लासें कराती हैं, और राजीव सर हैं जो कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, जो कि जमा पर जमा जो है वहाँ पर एक वीडियो का काम संभाल रहे हैं, वो काफ़ी मेहनत के बावजूद हमको समय निकाल कर हमको समय देते हैं और हम उनका काम भी पूरी प्रतिभाशाली दृष्टि से हम उनका काम को भी संभालते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि अब जो ये आपको ये बता दें कि एक मैडम हैं जो कि IAS का प्री निकाल यहाँ से निकाल चुके हैं, वो काफ़ी उन्होंने मेहनत की, उन्होंने सर ने काफ़ी उनको मोटिवेट किया और उसका ये परिणाम हुआ कि वो यहाँ से IAS का प्री निकाल चुके हैं। और मैं आगे ये कहूँगा कि आगे आने वाले जो समय में हैं यहाँ से काफ़ी जो प्री क्वालिफाई जो हैं जो BCS हुआ वहाँ पर काफ़ी बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे, और आगे भविष्य में ये चाहेंगे कि आगे भविष्य में अच्छा प्रदर्शन देखने को यहाँ पर मिलेगा। कोई फीस ली जाती है यहाँ पर? यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है, और जो सर हैं जो HDM सर हैं और HDM सर हैं और राजीव सर हैं और विभा मैडम हैं और सर गुप्ता सर हैं जो काफ़ी अपना समय बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर पढ़ाने के लिए आते हैं, और भी यहाँ से योगदान है काफ़ियों का। कितने घंटे क्लास लेते हैं करीब? 3 घंटे की क्लास होती है, इसमें काफ़ी मेहनत से सर हमको मतलब पढ़ाते हैं। ये कौन सी जगह है? ये मतलब तहसील है, कुल तहसील। कितने छात्र होंगे टोटल यहाँ आते हैं? यहाँ पर कभी करीब करीब पुराने छात्र हैं कम से कम 200 करीब पुराने छात्र हैं, और नए छात्र कम से कम 500 नए छात्र हैं। एक अच्छी स्ट्रेंथ होती है यहाँ पे सिविल के लिए, तैयारी के लिए लोग यहाँ आते हैं, अच्छी तैयारी मोटिवेट की जा रही है, और मैं चाहूँगा कि आगे और इसमें अच्छा यहाँ। अच्छा, एक चीज़ है कि
कोचिंग संस्थान इलाहाबाद और दिल्ली में लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, उसकी वजह यहाँ जो फ्री में दी जा रही है टीचिंग, क्या कहेंगे इस बारे में? महंगी शिक्षा है, सिविल के लिए तैयारी के लिए बड़ी फीस दी जाती है। यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अलीगढ़ की जो जनता है, जो कि मतलब पुअर स्थिति है, उनके लिए ये मतलब सस्ता खुली गई है, ना कि अच्छे प्रॉपर्टी मतलब अच्छी प्रॉपर्टी वाले हों को यहाँ पर कोई सस्ता नहीं के यहाँ पर आपको मतलब शिक्षा दी जाएगी। कोई चेक या जांच करके ही मतलब यहाँ पे हाँ।